हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल, माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक, आई एम सॉरी इस बार थोड़ा लेट हो गया है, बट मैं कोशिश करूंगा अगली बार से रेगुलर रहने की। नया चैप्टर शुरू करते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस आपने क्लास 11th में पढ़ा है, मैं थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दो सेट्स हैं ए क्रॉस बी, दो सेट्स हैं ए और बी, तो जब हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, तो उसी में से ए क्रॉस बी में से अगर हम कोई भी सबसेट निकाल लेंगे बाहर, तो वो एक रिलेशन होता है। और हम क्या कहते हैं, वो रिलेशन है ए से बी में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ए से बी में रिलेशंस क्या कहते हैं, लेकिन जैसे कि ए इक्वल टू 1 2 और सेट बी इक्वल टू 1 2 3, तो ए क्रॉस बी हम करेंगे, ये होता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कैसे किया जाता है ये भी आपको याद है, 11th में पढ़ा होगा। ठीक, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 और 2 3। ठीक, ये 6 एलिमेंट्स आएंगे, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3, तो m क्रॉस n 2 × 3 6 ही होता है, तो 6 एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं। ठीक, ये a क्रॉस b हुआ। और अब अगर हम इस सेट से, ये जो a क्रॉस b सेट है, इसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल लें, चाहे जितने हमारी मर्जी, चाहे जितने एलिमेंट्स हम निकाल लें, तो वो एक रिलेशन बन जाएगा। और वो लिखा कैसे जाएगा, अ रिलेशन से लिखा जाता है ए आर बी। ठीक, और सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। इस तरह से डिनोट किया जाता है कि ए बी से रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी, इस तरह से कि ए सेट ए से है, बी सेट बी से है। ठीक, और इसकी डेफिनेशन क्या दे देंगे, हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे ए इक्वल टू बी प्लस 1। ठीक, ये है कुछ, या बी इक्वल टू ए प्लस 1, इस तरह से। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो एलिमेंट ए है वो हमें सेट ए से लेना है, जो एलिमेंट बी है वो सेट बी से लेना है, ये। ठीक, और इस तरह से लेना है कि बी इक्वल टू ए प्लस 1 हो। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये रिलेशन में क्या क्या आएगा। ए मान लो हम 1 को चुनते हैं, ठीक, ए क्योंकि सेट इसी में से लेना है, ए अगर हम इसको रखेंगे 1 को, अगर हम ए 1 रखेंगे तो बी कितना आ जाएगा, देखो ए प्लस 1 यानी कि 2, ये हो जाएगा 1, 2। ठीक, ये सब 11th में पढ़ा है। फिर ए हम 2 को रख देंगे तो आ जाएगा 2, 3। ठीक, इस सेट को हम अभी नाम दे देते हैं आर 1। ठीक, तो ए 1, 2, 2, 3। अब देखो, वैसे फिलहाल हमने इस रिलेशन को इसी में से बनाया है, नॉर्मल है, नॉर्मल सी बात है। पर अगर कभी ऐसा हो जाता, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये रिलेशन इसी सेट से है कि नहीं, ए से बी में है कि नहीं, ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसका भी एक मिनट रिविजन देख लेते हैं। मान लो यही रिलेशन कुछ और लिख देता, जैसे सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3, और एक रिलेशन दे दिया 1, 2, 2, 3, 3, 4, और पूछा कि क्या ये रिलेशन इसी सेट का है। ठीक, ये इस टाइप के आंसर कैसे दिए जाते हैं, अगर ये इसी सेट का होगा तो इसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे वो सब के सब इसी में से होने चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक, तो देखो 1, 2 तो ठीक है मिल जाएगा, 2, 3 मिल जाएगा, 3, 4, 4 तो इसमें है ही नहीं, 4 इस सेट में नहीं है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी 4 नहीं आ पाएगा। ठीक, तो ये एक रिलेशन नहीं है इसका। ठीक, इस टाइप से अब हम लोग कुछ देखते हैं रिलेशन के टाइप्स क्लास 12th में। अच्छा, एक और चीज, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए से बी, मतलब ए और बी अगर दो सेट्स हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, वो होते हैं 2 की पावर mn, ये याद रखना है आपको। ठीक, m है n ऑफ a और n है n ऑफ b। ठीक, कोई और वेरिएबल यूज कर लेते हैं, 2 की पावर ab। ठीक,
सेट ए में ए एलिमेंट्स हो, सेट बी में बी एलिमेंट्स हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 की पावर ab, इतने रिलेशंस दो सेट्स के बीच में बनते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन आप लोगों को पता ही होगा, खाली, ठीक, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। एक सेट देख लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू लिखा है 1 2 3, और इससे रिलेशन क्या डिफाइन किया, ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 हो पाएगा, ऐसा नहीं, और ए कॉमा ए बिलोंग बी बिलोंग्स टू बी, ये ऐसे एक रिलेशन लिख दिया। ठीक, अब देखो ये कहना क्या चाहता है, एलिमेंट ए इसी सेट से लेना है, एलिमेंट बी इसी सेट से लेना है, और इस तरह से लेना है कि दोनों के स्क्वायर्स का सम 4 हो जाए। ठीक, अगर हम ए को 1 ले लें, अगर हम ए की जगह पे 1 रख दें, तो बी हमें कितना लेना पड़ेगा, यहां पुट कर दो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 3, बी आ जाएगा रूट थ्री। देखो रिलेशन होने के लिए जो बी ए और बी दोनों इसी सेट में होने चाहिए, ये ऐसा लिखा रहेगा, जब एक ही सेट दिया तो दोनों एलिमेंट्स इसी सेट से होने चाहिए। ठीक, तो रूट थ्री तो इस सेट में है नहीं, यानी कि ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, उसी तरह ए 2 रख के चेक करेंगे तब भी बी आ जाएगा 0, वो पॉसिबल नहीं है। 3 रख के चेक करेंगे वो भी नहीं आ पाएगा। ठीक, जैसे कि अगर ए इक्वल टू 2 रख दें, तो 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, b² = 0, यानी b = 0, b 0 है। तो अगर ये इसी सेट से होता तो ये रिलेशन में लिखा जाता, उन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे जो उस रिलेशन में होंगे, b = 0 इसमें नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। ठीक, उसी तरह a = 3 रखोगे तो b की वैल्यू कुछ माइनस b² माइनस में आ जाएगा, वो भी इसमें नहीं है तो उसको भी इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक, तो इस टाइप के रिलेशन का एग्जांपल, ये एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एम्प्टी रिलेशन का एक और एग्जांपल देख लो। जैसे सेट ए है 1 2 3, और एक रिलेशन ये लिख दिया सच दैट ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, और साथ में कह दिया कि ए ग्रेटर देन बी हो, और ए और बी ए में से ही लेना है। ठीक, अब तुम देख रहे हो ये नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, इनके साथ ये पॉसिबल नहीं है। अगर ए बी से बड़ा है नेचुरल नंबर में, पक्का उसका स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा, लेकिन ये कह रहा हमें छोटा चाहिए। जब ये नंबर ही बी से बड़ा है तो उसका स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा ही होगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, यानी कि ये भी एक एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ही ना पाए। ठीक, तो हम एम्प्टी रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, अ रिलेशन सच दैट आर इक्वल टू 5 इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ये इसका सेकेंड टाइप है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आर इक्वल टू अगर ए क्रॉस ए आ जाए तो उसको कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, यानी पूरा जो ए क्रॉस ए सेट है वो पूरा ही आर में आ जाए। ठीक, एग्जांपल देखो, ऐसे समझ में आएगा, सेट ए ले लो 1, 2, एक रिलेशन बनाना है सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू 1 + b इज नेचुरल, और ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, ये होना चाहिए। ठीक, इसका देखो, इसका क्या कहना है कि
पहले तो ए क्रॉस ए बना लो, सेट ए ये है, तो ए क्रॉस ए कितना बनेगा, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ठीक। ये रिलेशन ये कह रहा है कि ए और बी लेना है, ए और बी इसमें से लेना है, और इस तरह से लेना है कि उनको जोड़ने पर नेचुरल नंबर मिले। तो देखो अगर हम ए इसको ले लेंगे, अगर हम इस एलिमेंट को ले लें, सॉरी इस एलिमेंट को अगर हम ले लें और इन दोनों को जोड़ें, मतलब ए ये बी ए, ठीक, ये पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी, इन दोनों को जोड़ें तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा ना, 1+1, 2, यानी कि ये सेट में आ सकता है, क्योंकि ये सेट चाहता क्या है, ये रिलेशन चाहता है कि ए प्लस बी नेचुरल हो, बस इसको लेंगे तब भी नेचुरल, सॉरी फिर इसको लेंगे तब भी नेचुरल, 2, 2, ठीक। तो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ए क्रॉस ए इस रिलेशन के बराबर हो गया है, जब आर इक्वल हो जाए ए क्रॉस ए के, ए क्रॉस ए और आर दोनों इक्वल फैक्ट्स बन जाए, तब हम उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक। एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल देखो, बात सिंपल, ए क्रॉस ए बनाओ अपने समझने के लिए, मुझे आता है, ए क्रॉस ए बनाओ, तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा, 1, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 3, 5, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई हो तो ए क्रॉस ए नहीं बनाए बिना भी काम चल जाएगा, ठीक। ये ए क्रॉस ए है, 5, 1, 5, 3, 5, 5, ठीक। ये नौ एलिमेंट्स आएंगे, 3 है इंटू 3, मतलब ए क्रॉस ए, तो नौ एलिमेंट्स आएंगे, और हमें चाहिए कैसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसमें a माइनस बी इवन हो, ठीक, a माइनस बी कम ऑड इवन हो। तो देखो अगर हम इसको लेंगे, इसको कंसिडर करें, तो a ये हुआ, b ये हुआ, दोनों वन वन है, a माइनस बी यानी 1-1 जीरो इवन है, तो ये इसमें आएगा। इसको कंसिडर करो, 1-3 यानी -2, लेकिन मॉड लगा है तो +2 इवन है, आएगा 1, 5, 1-5, ए माइनस बी करना है ना, 1-5, -4, उसका मॉड +4 इवन है, आएगा, ठीक। इस तरह से करते करते ये सारे ही आ जाएंगे इसमें, क्योंकि किसी को भी इसमें माइनस करके देख लो, उसका मॉड लेके देखोगे तो सारे इवन ही मिलेंगे, ठीक। तो ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, जितना बड़ा ये आएगा उतना ही बड़ा ये आ जाएगा, ठीक। तो जहां कहीं पर आर इक्वल टू ए क्रॉस ए हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ठीक। तो ये खत्म, अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे, इन दोनों के अलावा भी और तीन टाइप्स होते हैं, ठीक। ये जो तीन टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ये तीन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से समझिए, इन तीन टाइप्स को मिला के बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन, क्वेश्चन सीधे उसी पे आता है, ठीक। तो हम लोग ये देखते हैं, इसको देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये इसकी डेफिनेशन है, इफ आर सच दैट ए टू ए, ठीक, ए टेंड्स टू ए, मतलब ए क्रॉस ए में ही रिलेशन है आपस में, और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं, अगर वो डबल टाइम्स, खुद के डबलेट, वो पूरे सारे के डबलेट्स इस रिलेशन में आएंगे, तो उसको कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। एग्जाम्पल से समझ लो, एग्जाम्पल से ही बेटर समझ पाओगे, इसका थियोरेटिकली भी मैं बता दूंगा अभी। इसमें देखो क्या है, जैसे सीधे ए इक्वल टू 1, 2 है, ए क्रॉस ए करोगे तो ए क्रॉस ए क्या क्या आएगा, ए क्रॉस ए छोड़ो, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ठीक। और हम एक रिलेशन लिख दें इसी सेट से, 1, 1, 1, 2, 2, 1, ठीक। पहले तो ये रिलेशन इस सेट का सबसेट है ना, ए क्रॉस ए का ही सबसेट होना चाहिए, ये क्रॉस ए लिखा हुआ है, ठीक। तो ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसके तीन एलिमेंट्स
तीनों ही एलिमेंट्स किसी में मिल गए हैं, ठीक। तो ये इसका सबसेट है। सबसेट है तो देखो, ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है, जितने एलिमेंट्स हैं उन सबका डबलेट आना चाहिए। इसमें वन और टू है, वन का डबलेट यानी कि वन वन, ठीक, ए कॉमा ए, तो वन वन इस रिलेशन में आया है, लेकिन टू टू नहीं आया है, ठीक। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव कब होता सर? ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, और कुछ है चाहे नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव जरूर है, क्योंकि इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं और सब दोनों के ही डबलेट आ रहे हैं, ठीक, वन कॉमा वन, टू कॉमा टू। अगर इसमें थ्री भी होता तो यहाँ आता थ्री कॉमा थ्री, तब ये रिफ्लेक्सिव होता। जैसे अगर इसमें थ्री होता और हम इसमें, और अब हम अगर इसमें थ्री कॉमा थ्री को शामिल नहीं करते तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, लेकिन अगर हम इसमें थ्री कॉमा थ्री रख दें तब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक। मतलब जितने एलिमेंट्स हैं उन सबके डबलेट जरूर आने चाहिए। अब एक और डाउट सर, अगर ये इतना ही रिफ्लेक्सिव है तो बाकी का रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्या? बाकी का मतलब ऐसे देखो, ये आर वन आर टू, वन कॉमा वन, वन कॉमा टू, टू कॉमा टू। सर मैं इसको पूछ रहा हूँ, ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? देखो कंडीशन क्या है कि जितने एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट आने चाहिए, उसके अलावा चाहे जो कुछ है, ठीक। ये है, ये है, ये आया है, ठीक। और सॉरी वन टू का ही मानो सेट, अब ये आया हो चाहे नहीं हो, ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो ऐसे पहचानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, उसके डबलेट आने चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कोई रिलेशन है उसमें ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए ना, मतलब ये एलिमेंट आना चाहिए और वो खुद भी आना चाहिए। तो होता ही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, एक सेट लोगों का लेते हैं जो एक ही जगह पर काम करते हैं, सेट ए इज द सेट ऑफ द पीपल हु वर्क एट सेम प्लेस। अगर हम ए क्रॉस ए करेंगे तो ए क्रॉस ए करेंगे तो मान लो सेट ए में कितने लोग हैं, उनका नाम है, इसको मिटा दे रहा हूं, सेट ए में मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, इस टाइप से ये चार लोग हैं सेट ए में। हम ए क्रॉस ए करेंगे तो 16 एलिमेंट्स बनेंगे, 16 लिखने की बजाय मैं ये लिख दे रहा हूं मेन, ठीक। इसी तरह फिर बीच में बी कॉमा बी पड़ेगा, सी कॉमा सी पड़ेगा और डी कॉमा डी पड़ेगा लास्ट में, ठीक। 16 बनेंगे, मैं ये चार मेन लिख रहा हूं, हमें तो रिफ्लेक्सिव जानना है। अब देखो अगर ये सेट उन लोगों का है जो एक ही जगह पे काम करते हैं, तो ए क्रॉस ए में ए कॉमा ए आया है, ए कॉमा ए आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वही काम करता है जहां ये खुद काम करता है। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, मैं जहां काम करता हूं वहीं तो काम करता हूं मैं, ठीक। तो इस तरह से बी जहां काम करता है वहीं तो काम करता है, ठीक। तो इस टाइप के सेट्स रिफ्लेक्सिव होते हैं। एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन टाइप में ये कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, लेट जेड बी अ सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड इंटीजर्स का एक सेट है। अभी तक देखो हम लोगों को फाइनाइट सेट्स दिए थे, वन टू था, वन टू थ्री था, ए बी सी डी था, ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक। तो इसको हम लिख के नहीं करते, इसको हम एनालिटिकली समझाएंगे, ठीक। हम लिखेंगे कि एग्जामिनर दिमाग लगा हुआ, ऐसा ही तो होता है। अ रिलेशन इज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। एक रिलेशन आर है एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई दोनों इसी से लेने हैं और एक्स माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए, ठीक। तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, देखो हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। हम ये देख लेते हैं कि अगर होता तो क्या होता। जैसे अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो ए कॉमा ए इस रिलेशन में होता, ठीक। अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो ए कॉमा यानी वही एक्स कॉमा एक्स, ठीक। तो इसको पुट कर दें, तो ए कॉमा ए सच दैट, ऐसे नहीं देखो ये रिफ्लेक्सिव होना है ना। तो देखो इस रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट्स आएंगे, इस रिलेशन में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनको माइनस करने पर, एक्स माइनस वाई करने पर एक इंटीजर मिलता हो। अगर इस रिलेशन में ए कॉमा ए आना चाहिए, अगर ये ए कॉमा
ये जो एलिमेंट है ए कॉमा ए, अगर वो इस रिलेशन में आना चाहता है तो क्या होना चाहिए, ये माइनस ये इंटीजर होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ए माइनस ए जीरो होता है और जीरो इंटीजर होगा। कोई भी नंबर इस सेट का कोई भी नंबर रख के चेक कर लो, उसको खुद से ही माइनस करोगे तो जीरो ही होगा ना। ठीक, एनी नंबर माइनस एनी नंबर इक्वल टू जीरो, यानी कि ए माइनस ए जीरो होगा, यानी कि इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। इसमें वही एलिमेंट्स आएंगे ना जिनको माइनस करने पे इंटीजर मिल रहा है। ठीक, इंटीजर मिल रहा है, जीरो इंटीजर है, यानी कि ये यानी कि ए कॉमा ए इस रिलेशन में आ सकता है। अगर ए कॉमा ए इस रिलेशन में आएगा, इसके सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, जितने इंटीजर्स हैं सब आ जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं। कोई छूटता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ठीक, सेट जेड में इंटीजर्स में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस रिलेशन में आएंगे जरूर, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको खुद से माइनस करो तो वो जीरो नहीं है, इंटीजर नहीं देगा। ठीक, हेंस ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे इस सेट में क्या क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, इंफिनिटी। कोई भी एलिमेंट इसमें से उठा के देख लो, जैसे ए कॉमा ए ना, यानी कि माइनस टू कॉमा माइनस टू, अगर हम एक्स माइनस वाई करेंगे तो जीरो आ जाए, इंटीजर मिल जाएगा। ठीक, तो किसी को भी माइनस करोगे इंटीजर मिलेगा। ठीक, हेंस ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, लेट एल बी सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में सारी लाइन्स का सेट, एल वन एल टू, एल वन परपेंडिकुलर टू एल टू, मतलब हमें उन लाइंस को इस रिलेशन में रखना है। दो लाइंस चुननी है L1 L2, उनको इस रिलेशन में लिखना है। रिलेशन मतलब उनमें एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इस रिलेशन में आ सकती हैं, और हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखो, मान रिफ्लेक्सिव होने के लिए वही सीधे रख के चेक कर लेते हैं हम लोग कि अगर उस रिलेशन में आते तो आ पाते कि नहीं, मतलब जाते कि नहीं। तो हम दो लाइंस, एक लाइन कंसिडर करते हैं L। अब रिफ्लेक्शन होने के लिए यहां भी सेम होना चाहिए, ठीक, L कॉमा L होना चाहिए। तो देखो, इस रिलेशन में जाने के लिए L1 L2 को परपेंडिकुलर होना है, हमारे पास एक लाइन, ये लाइन खुद अपने ही आपके परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ठीक, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती कभी, अपने ही परपेंडिकुलर कहां से हो जाएगी वो। ठीक, तो ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, यानी कि L1 L2 के परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि वो इस रिलेशन में नहीं आएंगे। ठीक, यानी कोई ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सीधी बात। ठीक, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता, क्या चेंज होता, क्वेश्चन में अगर ये लिखा रहता L1 पैरेलल टू L2 है, ठीक, L1 और L2 पैरेलल है, तो अब ये बात होगी। ठीक, कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, हाँ अरे आपस खुद के पैरेलल तो होती है ना, एक्स एक्सिस अपने ही पैरेलल होता है, तभी तो उसका स्लोप जीरो कहते हैं हम लोग। ठीक, कोई लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये वाला रिफ्लेक्सिव है, पैरेलल वाला, परपेंडिकुलर वाला नहीं था। ठीक, वो चाहे जो था रिफ्लेक्सिव तो नहीं था, चाहे जो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि और टाइप्स है अभी। ठीक, अब हम टाइप्स देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस हम सबका मिक्स करके करेंगे। ठीक, तो हम लोग रिलेशंस के टाइप्स देख लेते हैं। इसमें सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन देखो, बहुत सिंपल चीज है। अगर ए कॉमा बी किस रिलेशन में आया है तो बी कॉमा ए उस रिलेशन में आ जाना चाहिए, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक, इसको टेस्ट करना बहुत आसान है, सिंपल है। अगर किसी सेट में, किसी रिलेशन में टू कॉमा वन आया है और वन कॉमा टू भी आया है तो रिलेशन सिमेट्रिक है। अगर किसी रिलेशन में वन कॉमा थ्री आया है लेकिन थ्री कॉमा वन नहीं आया है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। बस ऐसे ही चेक करना है, यानी ए कॉमा बी अगर आया है तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए उसमें, तब वो सिमेट्रिक होगा। ठीक, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो। अगर कोई तुमसे कहे कि मैं और मेरा भाई एक ही जगह काम करते हैं, ठीक, मैं और मेरा भाई एक ही जगह पे काम करते हैं, ठीक, तो ये कैसे कहा जाएगा इसको, ए एंड बी वर्क एट, मतलब मेरा नाम पहले आया, ए और बी एक ही जगह पे काम करते हैं,
तो इसका मतलब तो तुम यही निकालोगे ना कि बी और ए की जगह पर काम करते हैं, ठीक। तो यानी उसी रिलेशन में, रिलेशन क्या है कि ए की जगह पर काम करना, एलिमेंट्स कौन है, मैं और मेरा भाई। अगर मैं और मेरा भाई ए की जगह काम करते हैं, यानी कि मेरा भाई और मैं उसी जगह काम करते हैं, ठीक, हम दोनों ही उस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे ना, ठीक। तो ये होता है। तो अगर किसी सेट में ए कोमा बी और बी कोमा ए साथ में आ जाए तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक छोटा सा, जैसे जैसे इफ अगर सेट लिख दे सिंपल एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस में करेंगे फिर। जैसे एक सेट है ए 1, 2, 3 ज्यादा कर देते हैं और एक रिलेशन आर 1 लिख देते हैं, ठीक, ए क्रॉस ए से एक रिलेशन आर 1 लिख देते हैं 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3 3, 1, 3, 3 ये एक रिलेशन है, ठीक। अब देखो हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, और रिवीजन के लिए हम ये भी देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो पहले रिफ्लेक्सिव भी देख लेते हैं। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, तीनों के डबलेट आए हुए होने चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, आया है 2, 2 भी आया, 3, 3 आया, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आए तो उसका उल्टा वाला भी होना चाहिए। तो 1, 1 है, इसका उल्टा ये खुद ही होगा, तो ये है 1, 2 है, इसका उल्टा होगा 2, 1 है, नहीं है, ठीक। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। फिर भी आगे देख लो, 1, 3 इसका उल्टा है, 2, 2 इसका उल्टा 2, 2 ही रहेगा तो है ये भी 2, 3 का होगा 3, 2 वो भी नहीं है, 3, 1 का तो ये रहा, 3, 3 का उल्टा यही रहेगा तो ये खुद है, ठीक। तो इस तरह से ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप इसको इस रिलेशन में और क्या क्या लिख दो कि ये रिलेशन आराम से मतलब लीस्ट नंबर ऑफ सबसे छोटा सिमेट्रिक इसको बना दो, मतलब कम से कम एलिमेंट्स इसमें आप डाल सकते हैं और इसको सिमेट्रिक बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसको सिमेट्रिक बनाने का, तो इसका उल्टा है, इसका उल्टा नहीं है ना, तो 1, 2 लिखा है, बगल में लिख दो 2, 1, या अरेंज करना है तो फिर यहाँ पे लिखो, मतलब 1 पूरा खत्म हो जाए तब 2 को शुरू करो, इस टाइप से 1, 2, 2, 1 आ गया, 1, 3 इसका उल्टा लिखा ही हुआ है, 3, 1 यही लिख दो बगल में, 2, 2 ये तो खुद का उल्टा है, 2, 3 इसका नहीं लिखा तो यहाँ लिख दो 3, 2 और फिर 3, 3 खत्म। तो कितने एलिमेंट्स आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओहो, ये तो यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक। ए क्रॉस ए में भी 9 एलिमेंट्स आएंगे, इस रिलेशन में भी 9 एलिमेंट्स हैं, मतलब पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ही आ गया, तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन भी हो गया, ठीक। तो ये है, एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यही सेट है ए है और हमें एक रिलेशन दिया है आर टू, आर टू में है क्या क्या, 1, 1, 1, 2, 2, 1 हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक, अच्छी बात बता देंगे। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों के डबलेट होने चाहिए, सिर्फ 1, 1 का है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 इसमें नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक जो एलिमेंट आए उसका रेसिप्रोकल रिवर्स होना चाहिए, 1, 2 आया है, इसका उल्टा होगा 2, 1 वो है, 1, 1 का उल्टा ये खुद ही होता है, तो ये सिमेट्रिक है, ठीक। देखो रिफ्लेक्सिव की शर्त है कि जितने एलिमेंट्स यहां है उन सबके डबलेट होने चाहिए, सिमेट्रिक की ये शर्त नहीं है, सिमेट्रिक की बस यही शर्त है कि जो हो उसका उल्टा तो होना ही चाहिए। यहां कौन कौन है, जैसे इसमें 3 है, सिमेट्रिक होने के लिए हमने 3 को कंसिडर नहीं किया, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमने ये चाहा कि 2, 2 और 3, 3 होता, ठीक। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है।
अच्छा इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको रिफ्लेक्सिव भी बनाओ, इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है सबसे छोटा, ठीक, कम से कम एलिमेंट्स जोड़ के, तो कैसे रिफ्लेक्सिव बनाओगे? 1,1 तो है ही, ये और ये जोड़ दो, तो ये कैसे बनेगा? इसको आर डैश कह देते हैं, 1,1 है ही, 2,2 लिख दो, 3,3 लिख दो, 1,2 लिख दो, 2,1 लिख दो, ये बन गया। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ठीक, इस टाइप से। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। ये क्वेश्चन लिखो, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है? अगर ए कॉमा बी सेट आर में है, बी कॉमा सी आर रिलेशन में है, और तो कहाँ गया, अगर ए कॉमा बी आर में है देन ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, मतलब ए और बी है उसमें, बी और सी है रिलेशन में, तो ए और सी भी होना चाहिए, ठीक, ऐसे ट्रांजिटिव होता है। एग्जाम्पल कैसे समझोगे? जैसे अगर सेट में 1,2 है, 2,3 है, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी यानी 1,3 भी होना चाहिए, ठीक, इस टाइप से। अब हम उसको देखेंगे कैसे, कोई भी रिलेशन दिया उसको चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो हम लोग उसको मतलब जो जैसे ये दो एलिमेंट चेक करने हैं, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, तब हम उसको चेक कर पाएंगे, ठीक। तो एक एग्जांपल देखो, ये एक सेट ए लिख देते हैं, जैसे 1,2,3, और रिलेशन लिख लेते हैं, आर वन नाम देते हैं, रिलेशन लिख लेते हैं 1,1, 1,2, 1,2 के बाद 1,3, 2,2, 3,1 और 3,3, ठीक है, ये रिलेशन देखो, ठीक, ये इतने एलिमेंट्स हैं, तो तीनों ही चीजें चेक कर लेते हैं आर एस टी है कि नहीं, ठीक। तो बहुत सिंपल है, देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तीन एलिमेंट्स हैं सेट में, तीनों के डबलेट आने चाहिए, 1,1, 2,2, 3,3, ठीक, तीनों के डबलेट आए हैं, रिफ्लेक्सिव है, खत्म। सिमेट्रिक चेक करने के लिए जो एलिमेंट आए उसका उसका रिवर्स जरूर होना चाहिए, ये तो ये सब तो खुद के ही रिवर्स होते हैं, 1,1, 2,2, 3,3, बाकियों को चेक करते हैं, 1,2 इसका रिवर्स होगा, 2,1 नहीं है इसमें, ठीक, तो सिमेट्रिक नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसका रिवर्स लिखा हुआ है 1,3 का 3,1, ठीक, पर क्या जरूरत है, नहीं है तो नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे? जैसे मैंने बताया कि दो ब्रैकेट्स लो और उसमें पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट वो सेम होने चाहिए, तब हम आगे सोचेंगे। तो जैसे इसका लास्ट 1 और इसका फर्स्ट भी 1, तो ये ए कॉमा बी है सेट इस रिलेशन में, बी कॉमा सी है इस रिलेशन में, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, ए कॉमा सी यानी कि ये 1,2, तो वो तो है ना इस सेट में 1,2, तो ये खुद ही लिखा हुआ है, ठीक, तो यानी इसके हिसाब से ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, हो गया। और कोई कहीं पे है फर्स्ट और लास्ट सेम? इसका लास्ट और इसका फर्स्ट देखो सेम है, तो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी इसमें होना चाहिए, यानी फिर से 1,2 वो है इसमें, ठीक, तो अभी भी ट्रांजिटिव है, अभी तक गड़बड़ नहीं हुआ। और कोई है ऐसे सेम? इसको देखो, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, ठीक, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है ना, तो ए कॉमा सी होना चाहिए, ए कॉमा सी देखो, ए और सी 1,1 आएगा ना, वो है इस रिलेशन में, ठीक, तो अभी भी ट्रांजिटिव है, यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ऐसे चेक करते हैं, ठीक। अब हमने तीनों सीख लिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो अगर कोई रिलेशन तीनों होता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब वो इक्विवेलेंस कहा जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन यही आता है कि कोई क्वेश्चन देके कहेगा कि चेक करो ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं,
इक्विवेलेंस के लिए क्या क्या चेक करना है, तो मैं चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, और ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक, ये तीन चीजें अगर है तो इक्विवेलेंस है, तीनों में से दो है एक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक, तो हमें क्वेश्चंस मिल रहे इक्विवेलेंस के ही मिलेंगे, तो हम वही करते हैं। ठीक, दो तीन क्वेश्चंस करते हैं, और इसके अलावा अगर कुछ भी हो आपके पास क्वेश्चंस जो आपको डाउटफुल है तो आप पूछ सकते हो। ठीक, तो इसमें क्वेश्चंस देखते हैं फिर इसको एंड करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, 1 से लेके 14 तक एलिमेंट्स लिखे हैं नेचुरल नंबर्स, और हमें एक रिलेशन ये बनाना है। पहले तो बनाएंगे फिर चेक करेंगे। एक रिलेशन ये है कि x, y इसी से लेना है, और इस तरह से लेना है कि 3x माइनस वाई जीरो आए। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो, 3x माइनस वाई जीरो हो, इसका मतलब 3x इक्वल टू y के बराबर हो। ठीक, यानी जो हम x करें y उसका 3 गुना होगा, मतलब x जो हम कुछ लेंगे, जो कुछ x लेंगे, y जो है उसका 3 टाइम्स होगा x का, y इक्वल टू 3 टाइम्स x। तो देखो, x और y दोनों इसी में से लेने हैं, तो क्या रिलेशन बनेगा ये पहले ये देख लो, फिर इसको चेक करना है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो अगर हम x 1 रखें तो 3 × 1 = y, y आ जाएगा 3, यानी कि x 1 y 3। ठीक, x 2 y 6, सीधे 3 टाइम्स, x 3 y 9, x 4 y 12, x 5 y 15, ये नहीं रख सकते। ठीक, x अगर 5 रखेंगे तो y 15 आ जाएगा, 15 इस सेट में है नहीं। ठीक, यानी कि ये वाला एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं आएगा, तो यानी इस रिलेशन में सिर्फ यहीं तक आएगा 4 एलिमेंट्स। ठीक, अब बस सिंपली चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस है कि नहीं। सीधे तीनों चीजें बना लेते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, और अगर तीनों है तो इक्विवेलेंस। तो देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम सेम आने चाहिए, 14 एलिमेंट्स है, 14ों के डबलेट, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसे कर करके 14, 14 किसी का नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और वही अगर तीनों में से एक भी चीज ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कोई एक चीज भी ये रिलेशन नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस नहीं है, तो इक्विवेलेंस ये तो ये नहीं है। ठीक, बाकी सब देख लेंगे। अब टू सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, पलट के एलिमेंट आना चाहिए। तो जैसे इसमें 1, 3 तो पलट के होता है 3, 1, वो भी नहीं आ रहा। 2, 6, 6, 2 इसमें नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक, अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए उन दोनों को पहले ढूंढो जिसके लास्ट और किसी का फर्स्ट सेम हो, तो बस यही है इसमें, और कोई नहीं है। ठीक, लास्ट और फर्स्ट सेम वाले बस यही दो हैं। तो अगर ये a, b है, b, c है, तो इस हिसाब से a, c बनता है 1/1.9 ना, a, c 1.9 बनता है। अगर वो इसमें होता तो ट्रांजिटिव होता, 1.9 इसमें नहीं है, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक, और तीनों चीज नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है, और क्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। R इक्वल टू, सेट मान लो कि लोगों का सेट है, पीपल्स, R इक्वल टू x, y, x इज वाइफ ऑफ y, x y की वाइफ है, ये है रिलेशन। ठीक, तो देखो हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता, x, x होता उसमें, दोनों जगह सेम, और इसका मतलब क्या होता कि x इज वाइफ ऑफ x, दोनों जगह सेम, तो y की जगह भी x पुट कर देंगे ना, x खुद की ही वाइफ है, कोई अपनी वाइफ थोड़ी होता है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर x, y इस रिलेशन में आया है तो x, y अगर इस रिलेशन में, तो y, x भी इस रिलेशन में आना चाहिए। तो अगर x, y का मतलब है x इज वाइफ ऑफ y, तो y, x का मतलब हो जाएगा y इज वाइफ ऑफ x। ठीक, अगर x y की वाइफ है तो y x का हस्बैंड होगा, और ये कह रहा है कि y इज वाइफ ऑफ x, यानी कि ये अगर x, y इसमें आया है तो y, x इस रिलेशन में नहीं आएगा। ठीक, अगर कोई किसी का पति पत्नी है तो वो थोड़ी ना, दूसरा वाला थोड़ी ना उसकी पत्नी होती है, समझ रहे हो ना, एग्जांपल क्लियर है ना।
एक्स अगर वाई की वाइफ है तो वाइफ वाई एक्स का हस्बैंड है, वाई एक्स की वाइफ नहीं होगी, ठीक। तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो बड़े आराम से, अगर एक्स कॉमा वाई सेट में आए, चलो ए कॉमा बी याद है, ए कॉमा बी सेट में आए तो इसका मतलब होगा ए इज वाइफ ऑफ बी, बी कॉमा सी सेट में आए तो इसका मतलब होगा बी इज वाइफ ऑफ सी, पहले तो यही नहीं हो सकता, तो इस सेट में ए कॉमा सी भी आएगा इसका मतलब होगा ए इज वाइफ ऑफ सी। तीनों का मतलब समझते हैं और देखते हैं कि हो सकता है कि नहीं, और लिख लेते हैं ट्रांजिटिव। देखो ए कॉमा बी आएगा मतलब ए बी की वाइफ है, ठीक है, बी कॉमा सी आएगा मतलब बी सी की वाइफ है। अगर ए बी की वाइफ है तो बी ए का हस्बैंड हुआ ना, तो वो सी की वाइफ कैसे हो सकता है, यानी कि यही पॉसिबल नहीं है। और जब यही पॉसिबल नहीं है तो इसके आगे तो बढ़ ही नहीं सकते ना, जब यही पे रुक गए तो यहां तक तो पहुंचेंगे नहीं, यानी ट्रांजिटिव भी नहीं है। और तीनों चीज नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक। इस टाइप्स के एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे जो तुमको कुछ एनालाइज करके करना पड़ता है। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है एक्स इज हस्बैंड फादर ऑफ वाई, तो वो भी उसमें भी सेम रीजनिंग है, कोई किसी खुद का फादर नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, अगर ए बी का फादर है तो बी ए का फादर नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं है। अगर ए बी का फादर है सी, ए बी का फादर है बी सी का फादर है, तो ए सी का ग्रैंड फादर हुआ, लेकिन इस रिलेशन के हिसाब से क्या होगा कि ए सी का भी फादर होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखो ये सिखाने के लिए लिखा हुआ है, मैंने सिखाने के लिए लिखा है तुम्हें। आर रिलेशन एक है नेचुरल नंबर्स में इस तरह से कि 2a प्लस 3b 30 है, और a और b दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक। तो ठीक है कर लेंगे, हमें रिलेशन आर निकालना है, निकाल लेंगे। फिर ये भी बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यानी इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहां लिख दो आर, ठीक। इसकी सबसे सिंपल ट्रिक होती है ए और बी की वैल्यूज रखो, अगर ये वन होगा ए वन रखोगे तो टू टू इंटू वन प्लस थ्री बी इक्वल टू 30, थ्री बी इक्वल टू 28, बी इक्वल टू 28 बाई 3, ये आएगा 9.33। तो ए और बी दोनों नेचुरल नंबर होते हैं, होने चाहिए, मतलब ए वन है बी तो ना पॉइंट में आ रहा है, तो यानी ए वन और बी, मतलब ए वन रख के हम ये रिलेशन नहीं लिख पाएंगे, ठीक। तो यानी ए वन नहीं रखेंगे, फिर क्या करेंगे, ऐसे ही करना पड़ता है करके, ए टू रख दो बी वन रख दो, अगर बी को वन रखोगे तो मिलेगा टू ए प्लस थ्री इंटू वन इक्वल टू 30, यानी टू ए मिलेगा 27, यानी ए मिलेगा 13.5। तो ये नेचुरल है पर ये नहीं है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे, ठीक, यानी इसी ये भी उसमें नहीं रहेगा। फिर ए टू रखो, ए टू रखोगे आप देखो ऐसे चेक कर लो, ए टू रखोगे तो ये आ जाएगा फोर, फोर प्लस थ्री बी इक्वल टू 30, थ्री बी यानी 26, फोर उधर जाएगा तो माइनस, तो बी फिर से पॉइंट में आएगा क्योंकि थ्री की टेबल में 26 तो नहीं आता, यानी बी की नेचुरल नंबर वाली वैल्यू तो नहीं मिल पाएगी, तो ए टू भी नहीं रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, बी को टू रख दो, बी को टू रख दो, ठीक, बी को टू रखोगे तो मिलेगा टू ए प्लस सिक्स इक्वल टू 30, टू ए इक्वल टू 24, ए इक्वल टू 12, यहां लिख दो 12.2, एक ये आएगा, ठीक। अरेंज करना कोई जरूरी नहीं है, अब बी को फोर रख दो, ठीक, थ्री इसलिए नहीं क्योंकि थ्री रखोगे फिर से पॉइंट में आएगा, ठीक, समझने की कोशिश करोगे, ऑड नंबर से रखोगे तो यहाँ पे ऑड नंबर मिलेगा, इवन में से ऑड को उधर भेज के माइनस करोगे तो ऑड नंबर बचेगा, तो टू से डिवाइड नहीं होगा वो, ठीक, इसीलिए मैं सिर्फ इवन वैल्यूज ही रख रहा हूँ उसमें। तो बी को फोर रख दे, अगर बी को फोर रख दे तो यहाँ 12, टू ए प्लस 12 इक्वल टू 30, टू ए इक्वल टू 18, ए इक्वल टू 9, तो आ जाएगा 9.4, ठीक। अब बी सिक्स रख दो,
तो ऐसा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, बी सिक्स रखेंगे तो 18, तो ये बचेगा 6, तो 6.6 है ना, 6 3 18, 6 2 12, ठीक। बी 8 रख दो 24, तो ए बचेगा 3.8। अब बी 8 रख दिया, 10 तो नहीं रख सकते, ठीक। 10 रखेंगे तो वो 10 रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो ए 0 मिलेगा, हमें ए नेचुरल नंबर ही चाहिए। तो यहाँ तक तो ये हो गया, ठीक। अब ए को रखते हैं धीरे धीरे, अभी ए को हमने सिर्फ 1 और 2 रखा है, ए को 3 रख के देखते हैं। ए को 3 रखेंगे, अच्छा तो बी 8 आ जाएगा। ए को 4 रखेंगे नहीं मिलेगा, ए को 5 रखेंगे, मेरे को लग रहा है और कोई वैल्यूज नहीं मिलेगी। ए को 5 रखेंगे तो भी नहीं मिलेगा, 6 रखेंगे तो रख ही दिया है, 7 रखेंगे नहीं मिलेगा, 8 रखेंगे नहीं मिलेगा, 9 रख ही दिया है, 12 रख ही दिया, ठीक। हाँ तो ये रिलेशन है, बस अब देख रहे हो नेचुरल नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, इन्फिनिटी तक सबके डबलेट होने चाहिए थे, तब रिफ्लेक्शन होता, तो सिर्फ एक ही का डबलेट है, ठीक। 1 1 2 2 ये सब नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए रेसिप्रोकल होने चाहिए, 9+2 है, 12.2 है, 2.12 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक, क्योंकि किसी का लास्ट और किसी का भी फर्स्ट सेम नहीं हो रहा है, ठीक। तो एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, ठीक, इसके बाद आप ही लोगों को करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेट ए है 1 2 3, रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 3, ये दिया हुआ है और हमें इस आर को चेंज करना है इस तरह से, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट्स जोड़ने घटाने हैं इन ए टू मेक इट इक्विवेलेंस, इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए, ठीक, हमें इसको एडजस्ट करना है। तो देखो इक्विवेलेंस में क्या क्या होना चाहिए, आर एस टी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव सबसे पहले बनाते हैं, ठीक, धीरे धीरे तीनों को बना देंगे तो इक्विवेलेंस तो खुद ही बन जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव बनाओ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों के डबलेट होने चाहिए, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो पहले से है। सिमेट्रिक बना देते हैं, 1 1 है, ठीक, तो इसका सिमेट्रिक ये खुद ही है, 2 2 का खुद ही है, 3 3 का खुद ही है, 1 3 का, इसका सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 3.1, तो रिलेशन एडजस्ट कर देते हैं, हम लिख देते हैं 1.1, 2.2, 3.3, 1.3, यहां तक लिखा है, अब इसको सिमेट्रिक बना दो, ठीक, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब लास्ट बचा है ट्रांजिटिव, ये देख लेते हैं है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो, नहीं होगा तो एडजस्ट करेंगे कुछ। ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर हम ए कॉमा बी इसको माने और बी कॉमा सी इसको माने, तो ए कॉमा सी के हिसाब से 1.3 होना चाहिए है इसमें, ये खुद लिखा है ना, तो ठीक है। और अब कहाँ बचा, अगर हम ए इसको माने बी इसको माने बी इसको माने सी इसको माने, मतलब लास्ट और फर्स्ट देखते हैं ना, तो वही देख रहा है। तो अगर ए कॉमा बी ये है, बी कॉमा सी ये है, तो ए कॉमा सी, ए कॉमा सी होना चाहिए 3.1, वो तो है इसमें, ठीक, यानी ये ट्रांजिटिव है। और कहीं से बन रहा है क्या, तो देखो अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, ठीक, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है ना, तो इसको चेक करेंगे, तो इसका ट्रांजिटिव होगा ए कॉमा सी, यानी 1.1 वो यहां लिखा हुआ है, ठीक, तो ये ट्रांजिटिव है, हर तरीके से ट्रांजिटिव है, ठीक, यानी ये पहले से ट्रांजिटिव है। अब आर एस टी तीनों है, यानी कि ये इक्विवेलेंस हो गया, ठीक। तो इस तरह से हमने सिर्फ ये एलिमेंट एडजस्ट किया और ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया, ठीक। तो होप ये आपको टॉपिक अब क्लियर होगा और इसकी प्रैक्टिस करते रहना, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक, जितने मैंने बताया। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरा, अब इसके बाद मैं कोशिश करूंगा, आई एम सॉरी कि थोड़े काफी दिनों से थोड़ा एबसेंट था, गैप हो गया काफी, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अब ये रेगुलर क्लासेस चलें, ठीक। और इसके बाद मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लूंगा वो है फंक्शंस, तो वो मैं लूंगा परसों, यानी एक दिन है आपके पास रिविजन के लिए, ठीक। और कल मैं कोई और चैप्टर, कोई और क्लास के लिए अपलोड करूंगा, तो आप लोग, ठीक। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए, ठीक, बस पढ़िए और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।